बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के जो लेक्चर में है वो हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। लेकिन इससे पहले जो है वो वन साइडेड लिमिट का जो कंसेप्ट है, जैसे आप देख रहे हैं कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शंस के अंडर जो है ये हेडिंग्स हैं वन साइडेड लिमिट्स, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट। आज के जो लेक्चर में है इन्हीं दो कॉन्सेप्ट तो जो है वो मैं आपको कराऊंगी ताकि ये आपके क्लियर हों। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी, जब हमने लिमिट को डिफ़ाइन किया था तो हमने अपनी जो फंक्शन की डोमेन थी उसको एक ओपन इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, हमने कहा था कि एफ़ इज़ डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। ठीक है जी, और सी पे साथ में कहा था कि फंक्शन डिफाइंड हो ना हो इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सी पे फंक्शन ना भी डिफाइंड हो तो सी पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अब अगर तो हम जो है वो ओपन इंटरवल में पॉइंट को रिस्ट्रिक्ट करके, जैसे हमने पीछे लिमिट को जो है वो डिफ़ाइन किया था, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जिस पॉइंट पर अब लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं फंक्शन उसकी एक साइड पर डिफ़ाइन है। ठीक है, आप उसकी एक साइड पर उसका बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं कि किस तरह का है। ठीक है, जैसे ये सी को जो है वो हमारा अगर एक्स अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसको जो है वो सिंबल के तौर पे हम इधर ऊपर माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर होगा कि एक्स जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, बट वैल्यू इज़ लेस देन सी, नेगेटिव साइन जो है वो शो करेगा कि वैल्यू जो है वो लेस देन सी है। इसका मतलब है कि उसको हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स में आपको पता है कि जब रियल लाइन पे हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे सारे नंबर जो हैं वो उस नंबर से छोटे होते हैं और राइट साइड पर ग्रेटर होते हैं। ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू सी, ऊपर ये नेगेटिव छोटा सा आप लगाएंगे तो इसका मतलब है कि एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है जी, आपका एक्स जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, और आपका जो एफ ऑफ एक्स है दैट अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक नंबर एल। ठीक है, आप जितना अपने एक्स को सी के क्लोज लेके जाते हैं आपका एफ ऑफ एक्स उतना ही एल के क्लोज जाता है। ठीक है जी, आप सी के करीब जाते जाएँ आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एल के करीब जा रहा है। जितना भी आप इसको एल के करीब करना चाहें तो वो हो जाता है एक्स को सी के करीब करके। तो फिर हम कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ की, ठीक है, दैट इज़ एल, दैट इज़ एल। ठीक है जी, अब अगर आप सी को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, ठीक है जी, अब आप सी को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन सी, एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट साइड। ठीक है जी, राइट साइड से अप्रोच करें तो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन सी। ठीक है जी, और ये पॉजिटिव साइन जो है आप ऊपर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बात आपको क्लियर होगी कि एक्स जो है वो सी को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, उसकी राइट साइड पे हम उसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं एक्स का। ठीक है जी, कि अगर हम अब एक्स सी को अप्रोच करते हैं राइट साइड से और आपका जो एफ ऑफ एक्स है दैट अप्रोच अ स्पेसिफिक नंबर एम, दैट अप्रोच अ स्पेसिफिक नंबर एम, यानी कि जितना आप अपने एक्स को सी के करीब लेके आते हैं राइट साइड से आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो एक नंबर एम को अप्रोच करता है, उसके करीब जाता है। ठीक है जी, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स इज एल, दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। जो पहले वाली है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो क्राइटेरिया है वो क्या, अब सी पे लिमिट एग्जिस्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि अगर आपने अलग-अलग लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सी के जो है वो फंक्शन का बिहेवियर चेक किया है तो लिमिट एट सी विल बी एग्जिस्ट इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज़ एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ कि आपका एल इक्वल आए एम के। जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि पॉइंट सी पे जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है।
ठीक है जी, ये हो गया एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया फॉर लिमिट एट एक्स इक्वल सी। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, उसकी मदद से मैं आपको जो मज़ीद इसका जो है वो आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, डिटरमिन वेदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है, डिटरमिन वेदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। हाँ जी, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो पीस वाइज डिफाइंड है, ठीक है जी। कहते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 इफ 0 लेसर इक्वल टू एक्स, एक्स लेसर इक्वल टू 2, ठीक है, और 7-x इफ 2x, एक्स लेसर इक्वल टू 4, और x इफ 4x, x<6। यानी कि 0 से 2 तक इंटरवल में जो आपको फंक्शनल वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है 2x+1 में से, और 2 से 4 तक जो इंटरवल है उसमें आपको फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7-x में से, और 4 से 6 तक जो इंटरवल है नीचे उसमें आपको जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है x, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो दिया हुआ, ठीक है जी। और आप क्वेश्चन जो है वो किया गया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करती है लिमिट, और एक्स अप्रोचेस टू 4 पे एफ ऑफ एक्स की एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। ये हमें फाइंड आउट करके देना है। अब जब इस तरह पीस वाइज आपका फंक्शन डिफाइंड होगा तो इसका मतलब है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी। ये है आपकी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसमें जो है वो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x+1 इफ 0x एस लेसर इक्वल टू 2, और 7-x इफ 2x एक्स लेसर इक्वल टू 4, ठीक है जी। और ये है आइडेंटिटी फंक्शन x इफ 4x+6, और जो उसने हमें कहा है डिटरमिन वेदर द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स जो है ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सूरतों में जो है वो फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है जी। तो पहले लिमिट एट एक्स इक्वल टू जो है वो हम चेक करते हैं इसको, एट एक्स इक्वल सॉरी 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइन शो करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी पर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि वैल्यू इज़ लेस देन 2। तो अब अपने फंक्शन में देखें कि लेस देन 2 के लिए आपका फंक्शन क्या जो है वो फंक्शनल वैल्यू कैसे आपने फाइंड आउट करनी है, x लेसर इक्वल टू 2, x लेसर इक्वल टू के लिए जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो है 2x+1, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2x+1, ठीक है जी। ये कैसे आया दोबारा देख लें कि x लेस देन 2, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसमें नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है, ठीक है, कि वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है। तो अब लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, उसी तरह जैसे सिंपल लिमिट एवेलुएट करते हैं कि वेरिएबल की जगह पे आपने 2 पुट कर देना, ठीक है, 2 × 2+1, ठीक है, 2×2=4+1 = 5, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है 5। अब राइट हैंड जो है उसको चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब है वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 2,
पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है कि वैल्यू जो है वो टू में ऐड हो रही है, टू से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब आ जाइए अपने फंक्शन पे, देखें एक्स ग्रेटर देन टू, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो कहाँ क्या डिफाइंड है इसके लिए, सेवन माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सेवन माइनस एक्स, ठीक है जी। अच्छा अब लिमिट एवेलुएट करनी है तो पुट कर दें, सेवन माइनस टू, तो ये क्या आ गया आपके पास, सेवन माइनस टू फाइव, ठीक हो गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइव फाइव आ गई, ठीक है। तो लिमिट का एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया आपने क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इस यहाँ आपकी दोनों जो है वो लिमिट्स क्या आई हैं, सेम आई हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। आप यही एंड पे लिखोगे एस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स अप्रोचिज टू टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू फाइव। इसी तरह जिस तरह मैंने इसको टू के लिए की है, इसी तरह आपने इसको फोर के लिए करना है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू लेस देन फोर होगी, उसमें आपने फंक्शन ये वाला लेना है, और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन फोर होगी, तो उसके लिए आपके जो फंक्शनल वैल्यू है वो यहाँ से आएगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहा है, एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड निकालनी है, और फिर बताना है कि लिमिट क्या है। अच्छा इसमें जो है वो मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करा देती हूँ कि थर्ड पार्ट में मॉड फंक्शन है, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, उनमें आपको कोई मसला नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी उसी तरह आएगी और राइट हैंड लिमिट भी दोनों, क्योंकि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे पीस वाइज डिफाइंड नहीं है। एक्सरसाइज है आपकी 1.4 और क्वेश्चन नंबर है 1 का थर्ड पार्ट। हाँ जी, क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव मॉड और सी आपका है फाइव, ठीक है जी। अब आपको मैंने मॉड फंक्शन को पहले भी खोलना बताया था, ठीक है, कि एक्स माइनस फाइव मॉड का आंसर एक्स माइनस फाइव ही आएगा इफ़ एक्स माइनस फाइव ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर ये नॉन नेगेटिव हो तो मॉड जो है वो आपको आंसर एज इट इज़ करता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव दोनों तरफ ऐड करें एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू फाइव, यानी कि आपका मॉड आएगा एक्स माइनस फाइव इफ़ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू फाइव, ठीक है जी। और ये आएगा माइनस एक्स माइनस फाइव इफ़ एक्स माइनस फाइव इज़ लेस देन ज़ीरो, दैट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आएगा, दोनों तरफ फाइव ऐड करें एक्स इज़ ग्रेटर देन फाइव, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस फाइव, ठीक है जी। इसका मतलब है कि जो आपको फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू फाइव के लिए यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन को हमने डिस्क्राइब कर लिया है कि हमारा क्या है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जो है वो यहाँ पे हमारा फाइव है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर नेगेटिव साइन आएगा एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है कि वैल्यू इज़ लेस देन फाइव, वैल्यू इज़ लेस देन फाइव, ठीक है। तो वैल्यू लेस देन फाइव, एक्स लेस देन फाइव, ठीक है, एक्स लेस देन फाइव। तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे देना है वो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस फाइव, माइनस एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, माइनस फाइव
प्लस फाइव दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है जी, क्या हो गया? ज़ीरो। अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एफ ऑफ एक्स इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम राइट साइड, दैट मीन्स की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन फाइव, एक्स ग्रेटर दैन फाइव, तो वैल्यू कहाँ से आएगी? एक्स माइनस फाइव। तो फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? एक्स माइनस फाइव। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दें, फाइव माइनस फाइव, तो ये भी क्या आ गई? ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी ज़ीरो आ गई, राइट हैंड लिमिट ज़ीरो आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों राइट हैंड आपने फाइंड आउट कर ली है। तो अब एंड पे आप इसी तरह लिखोगे एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम लेफ्ट साइड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम राइट साइड, दैट इज़ राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ एक्स दैट आर इक्वल, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये था बच्चे आज आपका वन साइडेड लिमिट के हवाले से कॉन्सेप्ट, और इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि इसके बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो आप कर लेंगे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो है वो हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे।